हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज चीज़ें होंगी, जैसे कि हिस्ट्री में आपको पता है कि एनिशेंट होता है, मिडिवल होता है, उसी तरीके से हम सबसे पहले जो है अपना एनिशेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन उसके बाद मिडिवल पर आएंगे, फिर हम आगे की हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है कि चीज़ें सारी लिंक होती हैं इसमें, और अगर आप लिंक करके पढ़ोगे तो आपको वो काफ़ी आसान लगेगा, और सारे सन जो होते हैं, आपकी डेट जो होती है, वो भी आप लर्न कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसका उदय कैसे हुआ, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और पिछले कई सालों में इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आए हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हिस्ट्री आती ही आती है 2 से 3 नंबर की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता होता है, इसका एक्चुअल में ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा क्यों। तो इस बात को जानने के लिए हम चलेंगे कहाँ पर, तो हम चलेंगे भाई नदियों पर। आपकी हड़प्पा जो है इसका प्रथम खोजा गया स्थल था, प्रथम खोजा गया जो स्थल था वो था हड़प्पा। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1921 में, यानी 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा। ठीक है ना, कौन थे भाई, दयाराम सहनी। ठीक है, दयाराम सहनी, इनके द्वारा किसकी खोज हुई, हड़प्पा की खोज हुई कब, तो 1921 में। तो इसीलिए ये पहला खोजा गया स्थल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अधिकतर स्थल किस नदी के तट पर मिले, सिंधु नदी के तट पर। और इसके जो हड़प्पा सभ्यता, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था, जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। तो वो तो खैर बात की बात अभी मैं बताऊंगा, बट आप इतना आपको समझ लेनी है। दूसरी चीज, अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं, अगर मैं इसके समय की बात करूं, तो ये कब की बात है, तो ये 2350 से लेकर 2350 से 1750 तक ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है। और ये टाइम पीरियड किसके हिसाब से माना जाता है, तो आपको याद रखना है C40। ये C14 क्या है मेरे भाई, तो C14 को बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग प्रणाली। अब ये क्वेश्चन आपका साइंस का भी बन जाता है, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का भी बन जाता है, कि किसी भी सभ्यता की जानकारी के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, किस विधि से हम उसके समय को जानते हैं, तो वो है C14, हिंदी में जिसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी पत्थर की उम्र जांचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा, उसमें भी है 242, है ना, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए। दूसरी बात करते हैं कि ये तो हो गई C14 के हिसाब से, लेकिन NCERT जो होती है उसके हिसाब से इसका दूसरा टाइम पीरियड दिया गया है, वो दिया गया है 2300 से 1900। ये आपको याद रखना, ये जो 2300 से 1900 है ये अकॉर्डिंग टू NCERT, बट ये 2350 से 1750 जो है वो कार्बन डेटिंग के प्रणाली के हिसाब से टाइम पीरियड इसका बताया गया है। तो ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है, इसको सत्य भी माना जाता, बट आप इसको भी जानकारी के लिए रख सकते हो। ठीक है ना, अब आओ जरा 1905 ईस्वी में, 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 में एक चीज और हुई थी जिसको बोलते हैं बंगाल डिवाइडेशन, यानी बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के ही समय में भारत में 1905 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो पुरातात्विक सर्वेक्षण थे, जो चीज़ों को, जो ऐसा आपको बताया गया होगा कि वहाँ पर खोज चल रही है, वहाँ पर खोज चल रही है, तो उनके लिए एक उनका क्या कैटेगरी बनाई गई, उनका एक समूह बनाया गया, उसी को बोला गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कब हुआ इस्टेब्लिश, तो 1905 में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, तब कौन था, लॉर्ड कर्जन थे। 1905 की बात हो गई, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया कि ASI की स्थापना कब हुई, तो 1905 में आपको याद रखना है। ठीक बात ना। दूसरी चीज़ आपको यहाँ क्या याद रखना है, इस समय कौन था, इस समय आप यहीं पर लिख लीजिए, ये किसके समय में हुई, लॉर्ड कर्जन के, लेकिन यहाँ था कौन, तो
अलेक्जेंडर कर्निंगहम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1905 में। इसीलिए अलेक्जेंडर कर्निंगहम को क्या कहते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है, तो वो कौन है, अलेक्जेंडर कर्निंगम है। बात बिल्कुल क्लियर। तो ये कुछ टाइम पीरियड था, इसके कुछ अन्य जानकारियाँ थी, अन्य नाम थे जो मैंने आपको बताया। अब इसकी आगे की बातें समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उस देखो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझना, तभी समझ में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, ये सारी चीज़ें 2350 से होती हुई आ रही थी, 2350 से 2300 से, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हो चुका था। तब तक टोटल कितने स्थल खोजे जा चुके थे भारत में, अगर मैं बात करूँ भारत में तब तक कितने स्थल खोजे जा चुके थे, तो केवल 40 स्थल तब तक खोजे जाए थे। कितने, 40। अब आज इसकी संख्या कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन तब तक की बात करें तो केवल 40। अगर टोटल अगर पूछा जाएगा कि अब तक कितने स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जा चुके हैं, तो 1500 से ज़्यादा है। ठीक बात ना, ये आपको याद रखना है। तो 1947 में टोटल कितने स्थल खोजे गए, 40 स्थल खोजे गए। हड़प्पा उसमें तो सबसे पहला था, जो कि 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा खोजा गया था। दूसरी बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ कि क्या विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो विशेषता में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे जो इनके नगर थे वो ग्रीड पैटर्न पर बने थे। अब ग्रीड पैटर्न क्या है, कई विद्यार्थियों को समझने में प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज़ ग्रीड पैटर्न, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि घर में हमारे जब कोई घर बनता है तो कुछ इस तरीके से नींव डाली जाती है ना, नीचे ईंटे बिछाए जाते हैं, तो उसके ऊपर जैसे एक ईंटे की लाइन लगा दी गई, तो उसके ऊपर सबसे पहले एक आधा ईंटा जोड़ा जाता है, फिर पूरा ईंटा, फिर आधा, फिर पूरा, फिर आधा, फिर पूरा। इसी को बोलते हैं ग्रीड पैटर्न। मतलब कि ये जो आज के ज़माने में हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये तभी से ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही यूज करते थे। इसीलिए इसको शहरी सभ्यता भी बोलते हैं। यह सभ्यता कैसी है, शहरी सभ्यता, क्योंकि यहाँ के नगर क्या थे, विशाल नगर थे, व्यापार व्यवसाय भी यहाँ होता था, सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो सबसे पहले तो नगर क्या थे, ग्रीड पैटर्न पर बने थे, ये विशेषता आपको याद रखनी। दूसरी विशेषता कि जो रोडें थी, जो सड़कें थी, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती थी, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। 90 डिग्री पर काटने का सीधा मतलब क्या है, रोडों का अच्छा खासा क्या था, विस्तार था। मतलब एक रोड इधर से आ रही, एक रोड इधर से आ रही, तो ये 90 डिग्री पर रोड एक दूसरे को काटती थी, मतलब इधर भी हम यहाँ से जा सकते थे, इधर भी और इधर भी, ये बात आपको याद रखनी। दूसरी चीज, जो नगर आपके ग्रीड पैटर्न पर बने थे, ये दो पार्टों में डिवाइड थे। दो पार्टों में कैसे डिवाइड थे, जैसे ये हमने बना दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो यहाँ पर अगर मैं 20 से लाइन खींच दूँ तो ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। इस पूर्वी भाग में कौन रहता था, तो इस पूर्वी भाग में जनता रहती थी। अगर मैं पश्चिमी बात की करूँगा, पश्चिमी की, कि पश्चिम साइड में कौन रहता था, पश्चिम साइड में शासक रहते थे। कौन, शासक, और शासक कोई राजा वगैरह नहीं थे, यहाँ पर राजाओं का कोई शासन नहीं था। यहाँ पर सत्ता जो थी वो कुलीन वर्ग के हाथों में थी। कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया चार पांच परिवारों का कोई एक गांव बना दिया गया, तो उसमें जो ज़्यादा जानकार होगा, जिसको चीज़ों की ज़्यादा जानकारी होगी, वो क्या करेगा, सारी चीज़ें उसी के हिसाब से चलेंगी। तो वही हो गया कि सत्ता कुलीन वर्ग के हाथों में थी। लेफ्ट यानी कि पश्चिम साइड आपके शासक रहते थे और पूर्वी साइड आपके क्या रहते थे, जनता रहती थी। क्वेश्चन आया एक बार पेपर में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर दो भागों में डिवाइड होते थे, उसमें जो पश्चिमी भाग था उसको क्या कहते थे, तो इसको दुर्ग कहते थे। आपको याद रखना है, ये जो पश्चिमी भाग है ये दुर्ग कहलाता है। जिस तरफ शासक थे दुर्ग, जिस तरफ जनता थी इस पूर्वी भाग कहते हैं। इसमें और भी कई जानकारियाँ आपको विशेषताओं में मिलेंगी, जैसे यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो घर थे ये घर दो मंजिला थे। अब हम दो मंजिला किस
शर्त पर कह सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हरियाणा के हिसार में एक स्थान है कौन सा, बनावली, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें सीढ़ी के साक्ष्य मिले हैं। और सीढ़ी क्या भाई, सीढ़ी के साक्ष्य हमें दो ही चीज़ें सीढ़ियाँ बताती हैं, या तो घर 2 से 3 मंजिल के थे, या फिर वो पेड़ों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर इतिहासकार जो थे उन्होंने क्या सोचा कि पेड़ पर तो ऐसे भी चढ़ सकते थे, घर में चढ़ने के लिए ऊपर दूसरी मंजिल पर जाने के लिए इनको सीढ़ी की आवश्यकता होती थी। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो घर थे वो 2 मंजिला बने थे, ये बात आपको याद रखनी है। और एक विशेषता यहाँ की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता थी, वो विशेषता कुछ यह थी कि जो यहाँ के नगर के दरवाजे थे, यानी सारे घर के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। मुख्य सड़क का मतलब क्या है, अब मान लिया जैसे यह एक मेन सड़क है, यह मेन सड़क है, इसी सड़क से सब लोग आते जाते हैं, तो इसके दरवाजे इस तरफ नहीं खुलेंगे, इस तरफ दरवाजे बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, अपोजिट साइड इसके दरवाजे खुलेंगे, इस तरफ प्रत्येक घर के दरवाजे खुलते थे इस तरफ। लेकिन यहाँ पर एक क्या था, एक यहाँ पर गड़बड़ चीज थी। क्या था यहाँ पर जरा समझो, आपको पता होगा, हो सकता आपने पहले पढ़ा हो, लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये गुजरात में है। लोथल क्या था, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और लोथल के जो दरवाजे थे ये अपोजिट साइड खुलते थे, मतलब ये जिस तरफ रोड थी मेन उसी तरफ दरवाजे खुलते थे। यही मात्र अपवाद है कि सारे दरवाजे, घर के सारे दरवाजे मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे, केवल एक नगर को छोड़कर, वो कौन सा नगर था, लोथल, क्योंकि यह सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि हाथी दांत भी यहीं से मिले हैं, यहीं से आपको क्या मिलेगा, डॉकयार्ड यानी कि जिसको हम बोलते हैं बंदरगाह, सबसे पहले चावल के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आपके सिनेरियो पूरा दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता होती क्या है, इसके कितने नाम होते हैं, नाम इसके पड़े क्यों, इसमें सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज कब हुई, कब इस्टेब्लिश हुआ, विशेषताएं क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात और, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का प्रयोग करते थे, इन ईंटों का जो प्रयोग करते थे इनको एक नाम देते थे, जो ईंट का प्रयोग करते थे इसको किस नाम से जानते थे, तो इसको टेरा कोटा कहते थे। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो ईंटों का प्रयोग करते थे उसे टेरा कोटा कहते थे। इस ईंट की अगर मैं माप बता दूं कि माप कितनी थी, तो 1:2:4 के रेशियो में थी, 1:2:4 के अनुपात में इस ईंट की माप होती थी, मतलब 4 लंबाई 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई, ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर थी। दूसरी बात अगर मैं आपसे बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें, देखो भाई व्यापारिक केंद्र था आपको पता है, तो व्यापारिक केंद्र के मतलब कोई चीज़ वहाँ पर वेट करने के लिए होगी ना, राशि नापने के लिए, तो जो वहाँ पर बांट का प्रयोग करते थे, बांट इन द सेंस आपको समझ में आ रहा होगा ना, वेट, तो जो बांट का प्रयोग करते थे वो 4 के मल्टीपल में थे। 4 के मल्टीपल का मतलब आप क्या समझ रहे हो, कि जो सबसे बड़ा बांट पाया गया है वो 16 kg का पाया गया। अब kg तो खैर हम अपने मन से कह रहे हैं, लेकिन 16 का पाया गया, उसके ऊपर 60 लिखा हुआ था, तो इसलिए वहाँ पर अनुमान लगाया गया कि जितने भी बांट थे वो 4 के मल्टीपल में थे, यानी कि 16 का हम 32 भी कह सकते हैं कि 32 भी रहा होगा, 32 का हम 64 भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक जानकारी जितनी मिली है उसके हिसाब से सबसे बड़ा वेट था वो कितना था, 16 kg का था। ये बात आपकी समझ में आ गई है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ महत्वपूर्ण स्थल वो किस नदी के किनारे स्थित हैं, उनकी खोज किसने की, किस सन में खोज हुई, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो चाहो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ सन है, पहला स्थल है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बाकी विशेषताएँ लाइन में मिलाने को आ सकती है, 4 ऑप्शन दे देगा तो मिलाने के लिए आ सकता है, बाकी विशेषताओं से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको स्थल बताता हूँ कि इनके क्या क्या स्थल मिले हैं, कहाँ से स्थल मिले हैं। देखो
सबसे पहला स्थल हड़प्पा मिला है, ये आपको मैंने अभी बता दिया है। अब सीक्वेंस में हम देखेंगे कि स्थल मिले, कहाँ मिले, खोज किसने की है। तो अब यहाँ से चीज़ें अच्छे से याद करना है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन जो बन रहा है वो यहीं से बनते हैं। सबसे पहले आपको देखना क्या है, जो पहला खोजा गया स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा। सबसे प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था, ये कब खोजा गया, तो 1921 में इसकी खोज हुई। किसके द्वारा हुई, तो दयाराम शहनी ने इसकी खोज की। किसने, दयाराम शहनी ने इसकी क्या की, खोज की है। यहाँ से हमें प्राप्त क्या क्या हुआ है, तो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि R-37 कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब R-37 क्या है, देखो जब मैप बनाया गया, जब सिंधु घाटी सभ्यता का एक मैप बनाया गया, तो उस मैप में कब्रिस्तान, भाई कब्रिस्तान दिखाने के लिए उनको या तो ऐसे ताबूत बनाना पड़ेगा, तो अगर किसी मैप में हम ऐसे ऐसे ताबूत बनाएंगे को ज़्यादा प्लेस लेगा। इसी प्लेस को कम करने के लिए जहाँ पर ये क्या थे, कब्रिस्तान, वहाँ पर इन्होंने R-37 का प्रयोग किया कि यहाँ पर R-37, यहाँ पर R-37। ये मैप में क्या दर्शाते हैं, तो R-37 मैप में एक कब्रिस्तान दर्शाते हैं। R-37 का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया कि R-37 क्या है जो हड़प्पा में खोजा गया, तो वह एक प्रकार का कब्रिस्तान है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ से आपको क्या मिला है और चीज़ आप समझो, यहाँ से आपको मिला है कांस्य दर्पण। ये सर कांस्य दर्पण क्या है, तो कांस्य दर्पण को हम कहते हैं ब्रॉन्ज स्केल, मतलब कि जो कांस्य की मापने की जो स्केल है उसी को वो। R-37 क्या था, तो R-37 क्या था, कब्रिस्तान था। दूसरी बात करें, हमने बताया कांस्य दर्पण क्या था, तो कांस्य दर्पण को अगर इंग्लिश में बात करें तो ब्रॉन्ज स्केल थी, यानी कि पैमाना। तो पैमाने की खोज कहाँ से हुई, तो आपको याद रखना है वो हड़प्पा से हुई है। बस हड़प्पा से मेनली इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड जो खोजा गया स्थल है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो मेरे भाई यहाँ से आप अच्छे से याद रखना। सेकंड जो खोजा गया स्थल है वो है मोहनजोदारो। इसके ऊपर मूवी बनी है, आप लोग देखोगे, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना भैया, देखे हो तो बहुत जानकारी आपको देखने को यहाँ से मिलेगी। इसकी खोज कब हुई, तो इसकी खोज जस्ट इसके एक साल बाद हो गई, 1922 में इसकी खोज हो गई। और इसकी खोज 1922 में किया किसने, राखल दास बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो की खोज की। और इन दोनों ने किसकी, चाहे वो हड़प्पा की बात कर लें या मोहनजोदड़ो की बात कर लें, ये किसके निरीक्षण में हुआ, तो एक थे जॉन मार्शल। ये नाम मत भूलना भैया, क्योंकि अभी इंड में यही अपना कहानी सुनाएंगे कि इनका अंत कैसे हुआ, बाढ़ आई कि बाह्य आक्रमण हुआ, ये सब वही बताएंगे जॉन मार्शल। तो इनके नेतृत्व में ये सारी खोजें हुई हैं। दूसरी चीज़ जब मैं बात करता हूँ, यहाँ से हमें प्राप्त क्या क्या हुआ है, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ये यहीं से प्राप्त हुई। और दुनिया का ऐसा कोई, मतलब इंडिया की कह लें जहाँ पर हिस्ट्री आती है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पर ये क्वेश्चन ना पूछा गया होगा कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से मिली है। दूसरी चीज़, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक अन्नागार, विशाल अन्नागार, एक अन्नागार मिला है। दूसरी चीज़, यहाँ पर महान स्नानागार मिला है। ये स्नानागार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोग नहाते थे। एक बार क्वेश्चन में टप किया गया, पेपर में क्वेश्चन टप किया गया कि जो स्नानागार है इसकी माप कितनी थी, तो आप इसकी माप भी लिख सकते हो, इसकी जो लेंथ थी ये लेंथ कितनी थी, इसकी ब्रेथ कितनी थी, इसकी हाइट कितनी थी। तो जो इसकी ब्रेथ थी 0.42 मीटर, 2.42 मीटर इसकी क्या थी, हाइट, गहराई थी। अगर मैं इसकी ब्रेथ, चौड़ाई की बात करूंगा, तो 7.08 मीटर क्या थी, इसकी चौड़ाई थी। देन अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूंगा, तो 22.23 मीटर क्या थी, इसकी लंबाई थी। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता, हम मापने नहीं गए थे मेरे दोस्त, ये बुक में लिखा हुआ
हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन आया भी है कि जो स्नानागार मिला है उसकी लेंथ कितनी थी, तो 22.23 मीटर आपको याद रखना है। यहीं पर बात कर लें अन्नागार, अन्नागार की कितनी हाइट थी, गहराई कितनी थी, तो ये बहुत बड़ा था, 43.8 मीटर गहरा था अन्नागार। ये विशाल अन्नागार इसीलिए कहते थे। अब भाई अन्नागार क्यों रखते थे, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था, इस सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था, अभी मैंने आपको बताया इसका मुख्य व्यवसाय क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यू नो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कृषि। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो इनको भाई जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, अन्न को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अन्न को इकट्ठा ऐसे तो कर नहीं सकते थे, आपको पता है नमी लग जाती है, सारा कुछ खराब हो सकता, तो इसीलिए इन्होंने क्या बनाया, अन्नागार। और इतना बड़ा अन्नागार बना दिया जो कि आज के ज़माने में भी नहीं मिलेगा, मैं सच बोल रहा हूँ मेरे भाई। 43.8 मीटर लंबा किसी के घर में, खैर पहले तो था लेकिन अब के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये दो हो गए यहाँ से। तीसरी चीज़ यहाँ से आपको क्या मिली है, तो तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ से मिली है, पुरोहित की मूर्ति। ये सर पुरोहित की मूर्ति क्या है, तो ज़रा इस बात को समझना, पुरोहित की मूर्ति से आपको पांच प्रकार के, यहाँ से आपको पांच प्रकार के छह पशु की तस्वीर मिलेगी। इस पुरोहित की मूर्ति पर पांच प्रकार के छह पशु। अब आप कहोगे यार क्या सर जी मजाक कर रहे हो, पांच प्रकार के छह पशु, हमने कहा यार मजाक नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे कैसे, हमने कहा देखो पांच प्रकार के छह पशु का मतलब हो गया कि दो हिरण आपको यहाँ से मिले हैं, दो हिरण के बाद आपको एक भैंसा यहाँ से मिला है, एक भैंसा के बाद एक बाघ भी इसके ऊपर अंकित था, बाघ, और एक बाघ के बाद एक हाथी भी था। तो देखो कितने हो गए, एक दो तीन चार, गेंडा भी था एक, तो गेंडा भी लिख लो, एक था गेंडा। तो पांच प्रकार के छह पशु क्या थे, इस पुरोहित की मूर्ति पर अंकित थे। अब क्वेश्चन कैसे घुमाया गया, क्वेश्चन आपके पेपर में बना कि मोहनजोदड़ो में खोजी गई पुरोहित की मूर्ति में निम्न में से कौन सा पशु अंकित नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता। तो आपको सारे याद रखने हैं, पांच प्रकार के छह पशु, दो हिरण थे, एक गेंडा था, एक बाघ था, और एक आपको हाथी दिखेगा वहां पर, एक भैंसा दिखेगा। क्लियर हो गई बात ना, तो ये मोहनजोदड़ो हो गया, ये हड़प्पा हो गया। अब आगे देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, आगे मैं बात करूँगा। तो आपने पढ़ा होगा आगे लोथल, अभी मैंने आपको बताया कालीबंगन हो गया, बनावली हो गया, रोपड़ हो गया, भादर पर आपको मिलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको लिखाता हूँ, और इनको इसी तरीके से सिक्वेंस में नोट करना, आपको यही सब यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक बात ना। चलिए देखो अब मैं आगे आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। यहाँ पर तीसरा जो खोजा गया स्थल था, मेन जो तीसरा खोजा गया स्थल था वो था लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। इसकी खोज कब हुई, 1958 में इसकी खोज हुई। इसकी खोज की किसने, तो रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। अब ये कैसे याद करोगे भाई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो सबको याद रहता है, दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी ने किया है, लेकिन रंगनाथ कैसे याद करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आप समझ जाओगे भाई। इसमें ला पढ़ो, इसमें ला पढ़ो, ला का मतलब क्या होता है, लाल, ला को ला का मतलब लाल हो गया, और लाल क्या होता है, रंग होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोथल की खोज किसने की, तो लोथल का ला पकड़ लेना, और लाल क्या होता है, रंग होता है, तो लोथल की खोज किसने की, रंगनाथ राव ने की। अब बात आती सर इसकी सन कैसे याद करेंगे, तो सन याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। 1857 में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, इसमें प्लस 101 आपको करना है, 101 करना है बस। कैसे याद रखोगे, 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें अगर हम 100 साल बढ़ेंगे तो 1957 आ जाएगा, प्लस 1 करके 1958 में हम लोथल की खोज कर देंगे, ठीक बात। अब यहां से हमको क्या क्या देखने को मिला है समझो, यहां से क्या क्या देखने को मिला, तो सबसे पहले यह एक क्या था, व्यापारिक केंद्र था, अभी पीछे बताया ना, याद है ना, तो यहां से आपको बंदरगाह था, ये
क्या था? बंदरगाह। यहाँ से आपको और क्या मिला है? तो सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य थे वो यहीं से मिले हैं, चावल के साक्ष्य आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ से हाथी दांत मिला। अच्छा, हाथी दांत मिलने का रीज़न आप दिमाग में सोच सकते हो कि हाथी दांत यहाँ से ही क्यों मिले? क्योंकि ये सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इस लोथल से ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिस्र की सभ्यता से व्यापार करते थे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से हाथी के दांत मिलना क्या है, अपने आप में कोई यूनिक बात नहीं है, लाजमी है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने दो चीज़ छोड़ दी है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, इसको भी लिख लेना। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक ना? तो ये आप भी नोट कर लेना यहाँ से। तीसरे के बाद चौथा स्थल यहाँ से क्या मिला? तो चौथा स्थल मिला कालीबंगा। ये कालीबंगा कहाँ है? ये कालीबंगा है राजस्थान में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्घर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अमलानंद पाल ने इसकी खोज की है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अमलानंद पाल ने ये इन्होंने इसकी खोज की थी। इसका सन वगैरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था सन मैंने वही बताया। तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से मिला क्या? तो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ मिली है, जिसको बोलते हैं काले रंग की चूड़ियाँ। हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं, कौन सी चूड़ियाँ? काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। दूसरी चीज़ सर, यहाँ से हमें क्या मिली है? जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये बहुत बार भैया पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो वो कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक। पांचवा जो स्थल है, पांचवा स्थल क्या है? वो पांचवा स्थल हो गया, कालीबंगा के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? तो राखी गढ़ी पहुँचेंगे। कहाँ पर? राखी गढ़ी पहुँचेंगे। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और इसको स्टार बना के लिखना मेरे भाई, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्थल था जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा का मतलब क्या है? जितने भी स्थल खोजे गए थे उनमें सबसे बड़ा अगर कोई स्थल था तो राखी गढ़ी ही था। इसीलिए अभी 2021 में मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा म्यूजियम खोला है वो राखी गढ़ी में ही खोला है। तो करंट का फिर आप भी क्वेश्चन एक याद रख सकते हो कि जो म्यूजियम सबसे बड़ा खोला गया ये राखी गढ़ी में। ये दो तीन से पेपर में आ भी चुका, भी सीजीएल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो याद रखना आपको। यहाँ से आपको मिला क्या है? यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना है, बस यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं। ताम्र उपकरण का मतलब तांबे के उपकरण आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, राखी गढ़ी। दूसरी बात आती है छेजे। छे बहुत इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये छे ना होता तो महिलाओं का श्रृंगार नहीं हो पाता। ये है चुंदड़ो। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ये भैया सबसे पहली तो बात, किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा? तो यहाँ से आपको क्या मिला? मनके बनाने के कारखाने। क्या मिला मेरे भाई? मनके बनाने के कारखाने। अब ये मनके क्या होता है? मनके का मतलब होता है जो बर्तन धोते थे ना, मिट्टी के बर्तन, उनके ऊपर जो आकृति बनाई जाती थी। आपको पता होगा कि बहुत स्थानों पर क्या है वो मशहूर है, जैसे कि मैं बात कर दूँ मधुबनी होती, मधुबनी पेंटिंग बिहार की बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है। वो कैसे बनती है पेंटिंग? उसमें जो चलचित्र हैं, जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग में क्या होता था? सितारों से पंचतंत्र की कहानियां दर्शाई जाती थी, और वो बहुत महंगी बिकती हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मन के जो बर्तनों पर डिजाइन बनाई जाती थी, ट्रायंगल हो गए, मतलब लाइनें वगैरह, इन्हीं सबको कहते थे मन के बनाने के कारखाने। क्लियर मन के क्या होता है? दूसरी चीज यहाँ से क्या मिला है? तो जितने भी बवाली वाले सिस्टम है, बवाली सिस्टम मतलब क्या है, जैसे मैं पाउडर की बात कर लूँ ये भी यहाँ से मिला, मैं कंघे की बात कर लूँ मैं भी यहाँ से मिला, फेस वॉश नहीं मिला है यहाँ से ना, पाउडर हो गया, कंघा हो गया, सीसा की बात कर लूँ वो भी यहाँ से मिला है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं। तो ये हो गए आपके छह स्थल। अभी और भी स्थल हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर पूरी वीडियो के आपने नोट्स बना लिए तो गारंटी देते हैं अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से आया तो आपका सही होगा, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। लूसेंट में बहुत ज़्यादा लिखा है, मैंने आपको केवल वही फैक्ट बताए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, बाकी सारे फैक्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहानी क्या करोगे पढ़कर। ठीक। चलिए,
छः नंबर के बाद सात नंबर भैया क्या है? तो सात नंबर जो स्थान मिला उसको बोलते हैं बनावली। ये बनावली कहाँ है? ये हरियाणा में है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमको क्या मिला है? बनावली से। तो बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं मेरे भाई। किसके हल? मिट्टी के हल। यहाँ पर खेती होती थी तो मिट्टी के हल मिलना क्या था? अपने आप में बढ़िया बात थी। तो यहाँ से बस इतना याद रखना। दूसरी चीज़, यहाँ से आपको सीढ़ी के साक्ष मिले, वो मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। फिर मैं बात करता हूँ सेवन नंबर के बाद एट नंबर। आठ नंबर यहाँ से आपको क्या मिला है? रोपड़। रोपड़ से आपको देखने को क्या मिलेगा? सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। पंजाब में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरी बात, यहाँ से आपको मिला क्या है रोपड़ से? तो तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी, देखो अंतर समझ लेना, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। अगर ताम्र उपकरण पूछा जाएगा तो राखी गढ़ी जाओगे आप, लेकिन तांबे की कुल्हाड़ी पूछा जाएगा तो रोपड़ चले जाओगे आप। कहाँ चले जाओगे? रोपड़। वहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। दूसरी बात, ये पॉइंट अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर कोई पूछा जाता है कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी तो सबसे ज़्यादा यहीं पूछा जाता है, वो कौन सा है? रंगपुर। कौन सा है भैया? रंगपुर। ये रंगपुर कहाँ स्थित है? ये रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है। भादर नदी के किनारे, यहाँ से आपको क्या मिला? धान की भूसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है। धान की भूसी कहाँ से मिली है? तो रंगपुर में भादर नदी के किनारे से आपको क्या देखने को मिलेगा? धान की भूसी देखने को मिलेगी। चावल के साथ लोथल जाओगे, धान की भूसी कहाँ जाओगे? तो रंगपुर चले जाओगे धान की भूसी के साथ। लास्ट एक और है सुतकिंग डोर। सुतकिंग डोर आपको पता होना चाहिए, दास्क नदी के तट पर स्थित है। वो यहाँ स्थित नहीं, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो ये इतने स्थान आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको बताऊँगा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आप अपना इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उठा कर देख लेना, सिंगल क्वेश्चन भी बच जाएगा तब आप हमसे कहना, ठीक ना? एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ठीक ना? चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि सर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो उसको ज़रा समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़रा देखो कहाँ से कहाँ तक विस्तार था। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश करूँगा। ये मैंने बना दिया एक क्या, एडिशन, एड का चिन्ह बना दिया। ये कुछ नहीं है, ये दिशाएं बताएंगी। ये कौन सा इधर होता है सबसे ऊपर? तो उत्तर होता है। नीचे क्या होता है भाई? तो नीचे दक्षिण होता है। इधर क्या होता है? पश्चिम होता है इस साइड में, और इस साइड में क्या होता है? पूरब होता है। इस साइड में पूरब हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु मेरठ में, और मेरठ कहाँ है? यूपी में, आलमगीरपुर था। कौन सा था? आलमगीरपुर। और ये बहुत बार पूछा गया, लगभग यूपी के एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में यूपी में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो नदी भी आप यहाँ से लिख सकते हो मेरे भाई, हिंडन नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। मैं बात करता हूँ दक्षिणी पॉइंट कौन था? तो दक्षिणी पॉइंट था दैमाबाद। ये दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये किस नदी पर, इस नदी के किनारे है? तो गोदावरी। हाँ, आप अगर बुक पढ़ोगे तो हो सकता है गोदावरी के स्थान पर आपको प्रवरा नदी लिखने मिल जाए, लिखा मिल जाए, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी ही क्या है? प्रवरा नदी है। तो हो सकता है आपको प्रवरा मिल जाए, लेकिन प्रवरा बहुत कम ही एग्ज़ाम में देता है, गोदावरी आपको ज़्यादा देगा। पश्चिमी पॉइंट की बात कर लें तो पश्चिमी पॉइंट होता है आपका सुतकिंग डोर। सुतकिंग डोर ये कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है सुतकिंग डोर। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो दास्क नदी के किनारे यह स्थित है। कौन सी नदी? दास्क नदी के किनारे यह स्थित है। दूसरी बात कर लें उत्तरी पॉइंट, तो उत्तर में जो उत्तरी पॉइंट कैसे याद करोगे? इसे इंडिया समझ लो। इंडिया में सबसे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कहाँ? मांदा। जम्मू कश्मीर में मांदा है सबसे उत्तरी पॉइंट, मांदा। या किस नदी के किनारे है? सबसे पहले तो ये
J&K में है। अगर मैं नदी की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में सबसे फेवरेट नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अब समझो, उत्तर से लेकर दक्षिण, अगर मैं बात यहाँ पर करूँ कि इसका टोटल जो एरिया था उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसका टोटल एरिया कितना था? 1400 किलोमीटर। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर मांडा तक, महाराष्ट्र तक, टोटल कितनी दूर तक फैली थी? 1400 किलोमीटर। अगर मैं पूरब टू पश्चिम बताऊंगा, पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम कितना था? पूरब से पश्चिम के लिए आप इसमें 200 एक्स्ट्रा कर दो, यानी 1600 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 1600, उत्तर से दक्षिण 1400, यानी इधर से इधर 16, ऊपर से नीचे 1400। तो कुल जो क्षेत्रफल बना वो कुल क्षेत्रफल कितना बन गया? कुल क्षेत्रफल बना 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ये एग्जैक्ट डेटा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है 2022 की एडिशन के हिसाब से, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और इसी को कहीं कहीं अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन में देगा तो 13,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये होती है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता टोटल कितने एरिया में फैली थी? 13,00,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। समझ में आई बात? ये खत्म हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता। लास्ट पॉइंट समझ लीजिए कि इसका अंत कैसे हुआ, क्योंकि जो जीवन लेकर आया है धरती पर उसका अंत निश्चित है। चाहे दानव हो, मानव हो, कोई भी हो, सबका अंत निश्चित है ना। चलो खैर, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अंत कैसे हुआ। तो अंत के विषय में कई लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मत पूछा जाता है वो है जॉन मार्शल के हिसाब से। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई और पूरी सभ्यता क्या हो गई? डूब गई। एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया। अब उन्होंने क्यों बताया कि आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया? क्योंकि इस सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता में इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 से 600 BC था, तो वो बाद की बात है। लेकिन जो ज्यादा पूछा जाता है, जो पेपर में पूछा जाता है, वो जॉन मार्शल ही करेक्ट आंसर पूछता है। ठीक, तो मैंने आपको पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से पढ़ा दिया। सिंगल क्वेश्चन भी मैंने नहीं छोड़ा है जो आपको नहीं बताया हो। कैसी लगी क्लास आपको जरूर बताना है, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो भी बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे।